अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शर्जील खान और आपको गजनवी टीवी पर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, टैंक ग्रेवयार्ड इस जगह को कहा जाता है जहां जंग के नतीजे में आखिरी दफ़ा टैंक तबाह हुए, या फिर इस जगह को भी कहा जाता है जहां कोई मुल्क अपने सारे नाकारा या फिर रिटायर हो जाने वाले टैंकों को रखता है। मगर आज की वीडियो में हम तीन ऐसे बड़े टैंकों के कब्रिस्तान के बारे में बात करेंगे कि जो कि किसी जंग के नतीजे में टैंकों का कब्रिस्तान बन गए। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट से आप बाखबर रह सकें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान कई एम्पायर्स का कब्रिस्तान है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ टैंकों का कब्रिस्तान ना हो। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया और तकरीबन 9 साल बाद कुछ हासिल किए बगैर अफगानिस्तान से मुंह की खा कर निकल गया, लेकिन जाते जाते अफगानिस्तान को टैंक्स का कब्रिस्तान दे गया जो जंग के नतीजे में तबाह हुए थे। ये कब्रिस्तान काबुल शहर के नज़दीक है जहां अफगान फोर्सेस मशकें भी करती रहती है। और मज़े की बात ये कि यहां अब रूसी टैंकों के साथ साथ अमरीकी टैंकों के भी जनाजे हैं। दोस्तों, टैंकों का एक और कब्रिस्तान है जो कि इराक और कुवैत के दरमियान हाईवे 80 पर भी मौजूद है, जिसका दूसरा नाम हाईवे ऑफ डेथ भी है। इस हाईवे को इस्तेमाल करते हुए 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, मगर गल्फ वार के दौरान इराकी फौज इसी हाईवे 80 को इस्तेमाल करते हुए कुवैत से निकलने लगी, तो अमेरिकन और उसके इत्तेहादियों ने इस हाईवे को इराकी आर्मर व्हीकल्स का कब्रिस्तान बना दिया था। इस कब्रिस्तान में इराकी T-72, BMP-1 और टाइप T-63 टैंकों के साथ साथ दूसरे आर्मर्ड व्हीकल भी मौजूद हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 2000 के करीब गाड़ियाँ यहाँ तबाह किए गए थे। 200 टैंकों का तीसरा और मशहूर कब्रिस्तान पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान है। 1965 की वार में इंडिया ने सियालकोट के नज़दीक चवंडा के मकाम पर अपने 600 टैंक्स के साथ हमला किया था और ये दूसरी जंग अजीम के बाद टैंक्स का दुनिया का सबसे बड़ा हमला था। लेकिन ये 600 के 600 टैंक्स पाक फौज और आवाम के जज्बे की बदौलत टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिए गए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट शर्जील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।